पांच ऐसे रेसलर जो रेसलमेनिया के बाद WWE को छोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। तो दोस्तों WWE टिपिकली रेसलमेनिया का यूज करती है रोस्टर को रीसेट करने के लिए और नई स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने के लिए। ये WWE का एक फ्रेश स्टार्ट जैसा होता है। ऐसे में कई रेसलर्स WWE में आते हैं, डेब्यू करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो कई रेसलर दोस्तों WWE को छोड़ देते हैं। और ऐसे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाँच ऐसे रेसलर जो रेसलमेनिया 34 के बाद WWE को छोड़ सकते हैं। तो नंबर पाँच पे आते हैं केन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि केन अब पॉलिटिशियन ज़्यादा बन चुके हैं और रेसलर कम, वैसे ही दोस्तों केन के ऊपर बड़ी न्यूज आ रही है कि केन रेसलमेनिया 34 के बाद नॉक्स काउंटी में होने वाले टेनेसी इलेक्शन का पार्ट होने वाले हैं, जहां वो मेयर के पद के लिए लड़ेंगे। अगर वो वहां सिलेक्ट हो जाते हैं तब तो समझो उनका WWE करियर खत्म, वो बन गए एक पॉलिटिशियन, एक नेता। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो शायद वहां से वापसी करे, लेकिन रेसलमेनिया 34 के बाद हमें उनके दर्शन नहीं होंगे। अब हम चलते हैं नंबर चार के ऊपर। नंबर चार पर जो रेसलर आते हैं वो है बिग शो, जो कि पिछले साल सक्सेसफुल हिप सर्जरी से गुजरे हैं। वो हाल ही में एक्टिव तो नहीं है क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पिछले महीने खत्म हो गया था। WWE वालों ने उन्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि एक बैकस्टेज कॉन्ट्रैक्ट था 2017 में दिए। बिग शो के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 2018 उनका आखिरी साल हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका शरीर अब उनके साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ रेसलमेनिया 34 के बाद ज्यादा चांसेस है कि बिग शो अब हमें नहीं दिखाई दे। ये भी हो सकता है कि वो एक और रन के लिए वापसी करे, लेकिन 2018 उनका आखिरी साल हो सकता है, ऐसा उनका खुद का कहना है। अब हम चलते हैं नंबर तीन के ऊपर। नंबर तीन पर आते हैं डेनियल ब्रायन। तो दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं डेनियल ब्रायन ने पहले भी कह चुके हैं कि अगर WWE मुझे फाइट नहीं करने देता है तो मैं WWE को छोड़ दूंगा। दरअसल डेनियल ब्रायन जो कि इंजर्ड थे, उन्हें अब WWE के डॉक्टर्स, साथ ही साथ उनके डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि वो मेडिकली बिल्कुल क्लियर है, लेकिन स्टिल WWE रिस्क ना उठाते हुए उन्हें फाइट नहीं करने दे रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि डेनियल ब्रायन रेसलमेनिया 34 के बाद WWE को ही छोड़ दे और वापस चले जाए ROH में। अब हम चलते हैं नंबर दो पर। नंबर दो पे जो रेसलर आते हैं वो आते हैं जॉन सीना। तो दोस्तों जॉन सीना पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जॉन सीना के बिना WWE अधूरा है। लेकिन हाल ही में दोस्तों जॉन सीना का ज्यादातर यूज किया जा रहा है नए सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जॉन सीना WWE को छोड़ देंगे। और जॉन सीना भी इसके हक में है और वो कह चुके हैं कि जितना भी समय मैं WWE में रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं टैलेंट को आगे पुश दूं। और वही वो कर रहे हैं जो और रेसलर्स ने भी किया। और यहाँ जॉन सीना WWE को छोड़ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि रेसलमेनिया 34 के बाद हमें वो ना दिखाई दे। अब हम चलते हैं नंबर एक के ऊपर, और नंबर एक पे जो रेसलर आते हैं वो आते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो दोस्तों ये आप और हम सभी जानते हैं कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसलमेनिया 34 में खत्म हो रहा है। और अगर WWE यहाँ नाकाम रहती है ब्रॉक लेसनर को फिर से रिसाइन करने में, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ब्रॉक लेसनर जाना चाहते हैं UFC के अंदर, साथ ही साथ वो WWE में फाइट करना चाहते हैं, लेकिन WWE इस म्यूचुअल डील के हक में नहीं है। और अगर ऐसा होता है और ब्रॉक लेसनर जाते हैं UFC के अंदर, तो वो WWE को रेसलमेनिया 34 के बाद छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये आज की लिस्ट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।